देखिए वर्ष, वर्ष में दो तरह के वर्ष अभी आपको पढ़ने हैं। पहला वर्ष है कि बिना शताब्दी वाला वर्ष और दूसरा है शताब्दी वाला वर्ष। अब आपको हम ये बताते हैं कि बिना शताब्दी वाले वर्ष और शताब्दी वाले वर्ष में क्या अंतर है, दोनों में किस तरह का डिफरेंस है और दोनों को कैसे समझेंगे बाय एग्जांपल और बाय कॉन्सेप्ट। बिना शताब्दी वाला वर्ष जो होंगे, ठीक, ऐसे वर्ष जिनके अंत में दो शून्य नहीं, ऐसे वर्ष जिसके अंत में दो शून्य नहीं हो, ऐसे वर्ष जिनके अंत में दो शून्य नहीं। अब यहां ऐसे वर्ष, इसी का अपोजिट हो जाएगा, ऐसे वर्ष अंत में जिनके अंत में शून्य, ऐसे वर्ष जिसके अंत में दो शून्य नहीं हो, शताब्दी वाला में क्या, ऐसे वर्ष जिनके अंत में दो शून्य हो, जैसे आप यहां पे समझिए, देखिए जिनके अंत में दो शून्य नहीं हो, जैसे हम कह सकते हैं एक, एक ईस्वी स्टार्टिंग हुआ होगा, एक सौ हुआ, दो, तीन, या यहां तक क्या कह सकते हैं 99, फिर यहां 101 बोलना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम 100 लिखते हैं, सोचिए यदि हम यहाँ पे 100 लिखते हैं तो जिनके अंत में दो शून्य, तो इसके अंत में कितने शून्य जाएंगे, दो शून्य। हमको इस बिना शताब्दी वाले वर्ष के एग्जांपल में ऐसा वर्ष लिखना है जिनके अंत में दो शून्य नहीं होने चाहिए, सिर्फ अंत में दो शून्य नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो तो चलेगा, लेकिन अंत में दो शून्य। यदि हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 10, 10, 99, 100 लिख देंगे तो 100 क्या इसमें आएगा, क्योंकि 100 जैसे लिखेंगे तो 100 में क्या होता है, अंत में दो शून्य होता है, और यहाँ नियम है कि दो शून्य नहीं होना चाहिए, दो शून्य नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे फिर 102, 103, 10, 10, फिर 199 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 200 हम नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 201 तो लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे इसी तरह 301 लिख सकते हैं, लेकिन 300। अब आगे अभी की बात करते हैं, अभी वर्तमान में हम देखिए 1999 लिख सकते हैं, ठीक, 2001 लिख सकते हैं, लेकिन 2000 नहीं, सोच के देखिए 1999 लिख सकते हैं, 2001 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2000, क्योंकि बिना शताब्दी वाले वर्ष में ऐसे वर्ष लिखा जाता है जिसके अंत में दो शून्य नहीं हो, यदि हम 2000 लिखते हैं तो गलत कर देंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आइए इसी तरह मान लीजिए, से यहाँ पे मान लीजिए हम 2099 लिख सकते हैं, ठीक, 2101 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2100 लिख सकते हैं, इसका कभी अंत हुआ है जी, अंत होगा। चलिए अब इसमें देखिए हम एक लिख नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको ऐसा वर्ष चाहिए जिसके अंत में दो शून्य होना चाहिए, हमको ऐसा वर्ष चाहिए जिसके अंत में दो शून्य होना चाहिए। तो अब बताइए एक जी नहीं हो सकती है, दो, क्योंकि दो के अंत में दो शून्य नहीं है, 3, 4, 5, 95, 99 जी नहीं, 100 जी हाँ, यस 100 चलेगा, और 100 से ही स्टार्ट होगा, क्या 100 से पहले वाला वर्ष है, जी नहीं, क्या शताब्दी वाले वर्ष में 100 से पहले कोई वर्ष है, शताब्दी वाला वर्ष का फर्स्ट वर्ष कौन सा वर्ष है, सम्मान। अब 100 के बाद क्या 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 120 क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं जी, नहीं ले सकते हैं। तो अब कहिए 199 नहीं, कितना लेंगे, 200 लेंगे, क्या 203, 205, 256, 299 ले सकते हैं, कितना लेंगे, 300, क्या 310, 300 कुछ ले सकते हैं, 300 कुछ नहीं ले सकते हैं, सिर्फ 400 ले सकते हैं। इसी तरह कहिए 1500 ले सकते हैं, इसी तरह 1600, इसी तरह 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, डैश डैश। एक चीज
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। किसी को दिक्कत है तो बार फिर रिपीट कर देते हैं। बिना शताब्दी वाला वर्ष ऐसा वर्ष होता है जिसके अंत में दो शून्य नहीं होता है, और शताब्दी वाला वर्ष ऐसा वर्ष होता है जिसके अंत में दो शून्य होता है। अब आपके मन होगा सर ऐसा क्यों होता है कि शताब्दी वाला वर्ष में दो शून्य अंत में क्यों रहता है और इसमें क्यों नहीं रहता है? शताब्दी मतलब होता है सौ, सैकड़ा। आप सुने होंगे कि सचिन ने सेंचुरी मारी, तो सेंचुरी का ही हिंदी होता है शताब्दी। एक शतक, दो शतक, दोहरी शतक, तीसरी शतक, तो शतक यानी कि सौ। शताब्दी होने के कारण अंत में कितने शून्य चाहिए? दो शून्य। अब तो बिना शताब्दी वाले वर्ष समझ गया। अब बिना शताब्दी वाले वर्ष भी दो तरह के, बिना शताब्दी वाले वर्ष भी दो तरह के। एक होते हैं सामान्य, सामान्य बिना शताब्दी वाला वर्ष, सामान्य बिना शताब्दी वाला वर्ष, समान बिना शताब्दी वाला वर्ष। और दूसरा होता है लीप बिना शताब्दी वाला वर्ष, लीप बिना शताब्दी वाला। अब देखिए समान बिना शताब्दी वाला वर्ष और लीप बिना शताब्दी वाला वर्ष, इसी तरह इसके भी दो पार्ट होते हैं। जगह लीप लीप शताब्दी वाला वर्ष, इसमें आ जाएंगे समान शताब्दी। चलिए अब यहां देखिए, बिना शताब्दी वाले वर्ष भी दो तरह के होते हैं और शताब्दी वाले वर्ष भी दो तरह के होते हैं। अब यहां समान बिना शताब्दी वाला वर्ष और ये लीप बिना शताब्दी वाला वर्ष। अब ये कैसे समझेंगे कि सर कौन है समान बिना शताब्दी वाला वर्ष और कौन है लीप बिना शताब्दी वाला वर्ष? तो अब ये बात आप जानते होंगे पहले से। देखिए जो वर्ष चार से पूरा पूरा नहीं कटता है या नहीं कटेगा, जो वर्ष चार से पूरा पूरा नहीं कटेगा इसमें क्या हो जाएगा? जो वर्ष चार से पूरा पूरा कटेगा, चार से पूरा पूरा कटेगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या समझेंगे, जो वर्ष 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसमें क्या उसका उल्टा हो जाएगा, जो वर्ष 400 से पूरा पूरा कटेगा ना, जो वर्ष 400 से पूरा पूरा कटेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये है बिना शताब्दी वाला यानी बिना शून्य वाला। क्या है ये? बिना शून्य वाला में बिना शून्य वाले से भाग देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि कल आदि आपको कंफ्यूजन आ गई, यदि आपको आ गई थोड़ी सी, यदि उल्टा पुल्टा हो गया, उस परिस्थिति में भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं। कैसे हम बता रहे आपको, ध्यान दीजिए, ये है बिना शताब्दी वाला वर्ष अर्थात बिना शून्य वाला वर्ष। तो बिना शून्य वाले वर्ष में बिना शून्य वाले अंक से भाग देंगे। क्या शून्य लगा हुआ है? तो बिना शून्य वाले वर्ष में बिना शून्य वाले अंक से भाग देंगे, और शून्य वाले वर्ष ये कौन वर्ष है, और शून्य वाले वर्ष में शून्य वाले संख्या से भाग देंगे। क्या इसमें किसी तरह की कोई कंसर्न आ सकती है आगे चल के? जी नहीं आ सकती है। यदि आ भी जाए तो आप खुद इसे क्लियर कर सकते हैं, ये है बिना शून्य वाला। तो बिना शून्य वाले में भाग देने के लिए बिना शून्य वाली संख्या चाहिए, यानी कि सिर्फ चार चाहिए, 400 नहीं सिर्फ चार चाहिए। शून्य वाली संख्या में यदि हम भाग देंगे तो शून्य वाला भाग
चाहिए हमें, जैसे भी 400 चाहिए। अब जिस संख्या के अंत में दो शून्य हो या अंतिम के दो अंक चार के गुणज हो, चार के पहाड़े में आता हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या चार से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे जब इसके एग्जांपल यदि हम लेते हैं, यहाँ जब इनका एग्जांपल लेते हैं तो अब देखिए यहाँ पे अब एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार नहीं आएंगे, कौन आ सकता है, पांच आ सकता है, चार यहाँ पे नहीं आएंगे, चार आएंगे, चार यहाँ पे नहीं आएंगे, चार भी क्या लगा दिए हैं, कट्टा लगा दिए। इसी तरह से छः यदि आगे बढ़ते हैं हम तो 1901 आ सकता है, 1902 आ सकता है, 1903 आ सकता है और 1905 आ सकता है। चार वाला आएगा नहीं ना आएगा। उसी तरह यहाँ पे अब देखिए अभी 2001 आ सकता है, 2002 आ सकता है और 2003 आ सकता है, लेकिन 2004 नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, पाँच। यानी कि चार के गुणज इसमें, अब इसमें जो आएंगे चार आ सकते हैं, चार के बाद आठ, आठ के बाद बारह, डैश डैश 1900 चार आएंगे, 1908 आएंगे, 2004। बताइए अब हमको क्या ये 100 जो है चार के पूरा पूरा कटेगा, 400 से 100 400 से पूरा कटेगा, यहीं पे 200 300 400 छोड़ देंगे ना, क्या लिखेंगे, 500 हो जाएगा, 1700 1800 1900 फिर क्या इतना आ जाएगा, 400 800 1200 1600 2000 यानी कि 2000। एक का आप एग्जांपल लीजिए, एक आपको हम बताते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। यहाँ देखिए जो आप गलती करते हैं वो गलती क्या है, 1900 है ना, इस 1900 में आप चार से एक बार भागा दीजिए, नहीं कटेगा, 1900 क्या चार से कटेगा, यदि चार से कटेगा तो उस आधार पे से लीप मान सकते हैं, चार से कट रहा है। यही गलती पहले करते थे, 1900 जो ईस्वी है वह स्लीप नहीं है, वो समान हुआ है। लेकिन यदि आप इस नियम से जो पहले के नियम से जो चलते थे, चार से काटने वाला नियम चलते थे कि चार से कट जाएगा तो लीप, नहीं कटेगा तो समान, तो देखिए चार से कटता है, लेकिन उसमें चार चार से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये कौन सा वर्ष हो गया, दो शून्य वाला, तो दो शून्य वाले में भाग कितना देना पड़ेगा, दो शून्य वाले से। कहने का मतलब यहाँ 1900 बटे 400, अब देखिए क्या कटेगा, अब ये कौन वर्ष हो गया। अब एक चीज देखिए, यदि आप इस कॉन्सेप्ट पे सुनिए, यदि इसको आप फॉलो नहीं करते, 400 को फॉलो नहीं करते, सिर्फ 4 को फॉलो कीजिएगा तो आप गलत कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। लेकिन इसीलिए 4 को ही फॉलो करना और 4, तो इस तरह ये वर्ष का कॉन्सेप्ट था। अब इसी वर्ष में आपको आगे बताते हैं।